तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस फार्मेसी चैनल पर स्वागत है। तो आज अपन इस वीडियो में देखने वाले प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपन जान लेते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है। और प्राइमरी स्टैंडर्ड इज कंपाउंड ऑफ सफिशियंट प्योरिटी फ्रॉम विच अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट वेइंग ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ इट फॉलोड बाय डायल्यूशन टू द गिव डिफाइंड वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड जो ऐसा होता है जो सफिशियंट प्योरिटी प्रेजेंट होती है विच अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अंदर, वो प्रिपेयर होता है डायरेक्ट वेइंग के अंदर ऑफ क्वांटिटी ऑफ डायल्यूशन ऑफ डिफाइंड वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसे प्राइमरी स्टैंडर्ड कहा जाता है। द सोल्यूशन कैन प्रिपेयर्ड इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जो सोल्यूशन प्रिपेयर होता है डायरेक्ट वेइंग से ऑफ क्वांटिटी ऑफ डायल्यूशन ऑफ डिफाइंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, उसे जो प्रिपेयर वाला सोल्यूशन उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। और प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग रिक्वायरमेंट से, वो अब देखेंगे अपन। फर्स्ट है इट मस्ट इजी टू ऑब्टेन। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो इजीली अवेलेबल रहता है। सेकंड है इट शुड बी प्योर। अपने पिछले स्लाइड में देखा ही था प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्योर, सफिशियंटली प्योर रहता है, इट शुड बी प्योर स्टेट में रहता है। इट शुड बी प्रिजर्व इन प्योर स्टेट। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होता है वो प्रिजर्व होता है प्योर स्टेट के अंदर। फोर्थ नंबर पर है द सब्सटेंस शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक ऑक्सीडाइज बाय एयर और अफेक्टेड बाय CO2। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन है शुड बी नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, ऑक्सीडाइज बाय एयर, ऑक्सीडाइज होता है एयर से और अफेक्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन हाइड्रोफिलिक भी है, मतलब वाटर लविंग है, और हाइड्रोफोबिक है यानी वाटर हीटिंग भी है, और हाइड्रोस्कोपिक है यानी मॉइस्चर लविंग, वाटर लविंग और एयर लविंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है वो जान लेते हैं। सिंपली मैं आपको समझा दूँ प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है वो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, मतलब 99.9% प्योर स्टेट में है, वो एक प्योर है। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपेयर, मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेरिजन करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ है। आपको मैं डे टू डे लाइफ में आपने देखा ही होगा, एक समझो एक नाइकी की पैंट है या एक जीन्स है, वो एक ब्रांड है और मार्केट के अंदर फर्स्ट कॉपी रहती है, सेकंड कॉपी रहती है। उसी तरह से जो ब्रांड है, ओरिजिनल जो ब्रांड होता है नाइकी का, उसे अपन प्राइमरी स्टैंडर्ड कहेंगे, और जो फर्स्ट कॉपी जो मार्केट में अवेलेबल रहती है उसे ही अपन सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहेंगे। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज फॉर द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन हुज कंटेंट ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस हैज बीन फाउंड टू कंपेरिजन अगेंस्ट द प्राइमरी स्टैंडर्ड। मैंने आपको कहा ही था सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, वो ऐसा एक ड्यूरेशन है हुज कंटेंट द एक्टिव सब्सटेंस हैज बीन फाउंड द कंपेरिजन अगेंस्ट द प्राइमरी स्टैंडर्ड। वो कंपैरिजन है अगेंस्ट किसके, प्राइमरी स्टैंडर्ड के। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट हैज नॉट बीन डिटरमाइंड फ्रॉम द वेट ऑफ द कंपाउंड डिजॉल्व, बट द रिएक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अगेंस्ट द मेजर वॉल्यूम ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व सोल्यूट हैज नॉट बीन डिटरमाइंड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व जो सोल्यूट है वो डिटरमाइंड नहीं होता फ्रॉम द वेट ऑफ द कंपाउंड, फ्रॉम द जो उसका वेट होता है वो डिजॉल्व होता है, बट रिएक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अगेंस्ट मेजर वॉल्यूम ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जो डिजॉल्व रिएक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होती है वो अगेंस्ट मेजर होती है किसके, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। तो आपको सेकेंडरी स्टैंडर्ड भी समझ गया होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगेंगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।